वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अलका स्पेशल किचन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आई हूँ चीज चाउमीन की रेसिपी। चाउमीन बच्चों बड़ों सबको पसंद है, तो फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं चीज चाउमीन। तो चलिए बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ 3 वेजिटेबल सब्जियाँ लिया, जैसे पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, आप अपनी पसंदीदा ले सकते हो। तो मैंने यहाँ गैस के ऊपर एक कढ़ाई रखी है, कढ़ाई के अंदर मैं पानी डाल रही हूँ। पानी मैंने यहाँ 3 गिलास उबलने के लिए रख दिया है। तो पानी आप देख सकते हो उबल रहा है हमारा पानी। तो अब इसके अंदर हम डाल लेंगे चाउमीन। तो आप देख सकते हो अच्छे से है चाउमीन पानी के अंदर जाते ही कैसे धीरे धीरे नीचे जाने लगी है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून नमक। चाउमीन उबालते समय नमक डालना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं फिर हमारी चाउमीन का टेस्ट है वो फीका फीका आएगा, तो इसलिए नमक डालना बहुत ज़रूरी है। और इसको हम चम्मच की सहायता से अच्छे से मिला देते हैं। तो ये देखिए हमारी चाउमीन है 5 मिनट में उबल के तैयार हो चुकी है। अब मैंने यहाँ दूसरी पैन लिया है, पैन के अंदर मैं 2 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ। इसको गर्म होने देते हैं। अब इसके अंदर मैं सबसे पहले डालूंगी बारीक कटी हुई लहसुन की कलियाँ। अब पत्ता गोभी डाल देती हूँ। अब इसको मैं अच्छे से भूनूंगी। अब डालेंगे शिमला मिर्च, साथ में गाजर भी डाल देती हूँ। अब अच्छे से मिक्स कर देते हैं। हमें सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ थोड़ा सा इसको कच्चा पानी निकालना है। कम से कम हम इनको 4 से 5 मिनट तक भून सकते हैं। तो ये देखिए हमारी सब्जी वो आधी पक चुकी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे ग्रीन चिली सॉस, टमाटो सॉस, विनेगर, अब इनको तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ चाउमीन मिक्स कर दिया है। सॉरी मैं आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो इसलिए मैंने सारी मसालों को डालने के बाद चाउमीन को डाल दिया था। तो इसको हम हल्के हाथों से इस तरह चलाएंगे। और फ्रेंड्स हमारी चाउमीन है वो बन के तैयार है। तो इसको मैं गर्मा गर्म प्लेट के अंदर सर्व कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी चाउमीन कितनी खिली खिली है। अब इसके ऊपर मैं चीज़ डालूँगी। ये मैंने अच्छी क्वालिटी वाली अमूल वाली चीज़ लिया है, तो इसको हम क्रश करके डालेंगे। हम चीज़ को चाउमीन गरम गरम पे ही डालेंगे जिससे चीज़ थोड़ी सी मेल्ट हो जाए, तो फिर जो खाने में टेस्ट है वो अच्छा आएगा। आप अपनी पसंदीदा अनुसार ज़्यादा डालना चाहते हो तो ज़्यादा भी डाल सकते हो चीज़ को।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी चीज चाउमीन की रेसिपी बनके तैयार है। तो फ्रेंड्स ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती है न्यू रेसिपी।